नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्रीजा। इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ टोफू रेसिपी। बहुत ही बढ़िया बनता है। सबसे पहले हमने सोया का दूध लिया है। ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसको एक उबाल आने देना है। इस तरह से एक उबाल आने के बाद इसको उतार के नीचे रख दीजिएगा। ये चूल्हा पे रख के मत बनाइएगा। इसका प्रोसेस जो भी है तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, नीचे उतार दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते इसको फटने तक हम लोग मिलाते ही रहना है। ये धीरे धीरे करके फटने लगे हैं। इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तुरंत इसको कपड़ा में डाल देना है। इसी तरह से नीचे एक बर्तन लिया है और ऊपर एक स्ट्रेनर लिया है, उसी का ऊपर कपड़ा डाल दिया है। और इसी का जो हम लोग फट दिए हैं सोया के दूध, वो इसमें डाल देते हैं। डाल के धीरे धीरे करके पानी नीचे आ जाता है। अगर नीचे नहीं आए उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के इधर उधर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो पानी है उसमें बचा हुआ वो साइड में आ जाएगा तो नीचे उतर जाएगा। इसी तरह से कर दीजिएगा। जो पानी बच जाता है वो ठंडा करके पेड़ पौधों को दे सकते हैं। एक प्लेट लिया है और जो पनीर बना दिया तो वो ऊपर रख दिया है, उसको थोड़ा दबा दीजिएगा। थोड़ा सा जो आगे पीछे चला गया वो सब ठीक कर दीजिएगा। जितना मोटा चाहिए या पतला चाहिए वो सब आप इस तरह से कर दीजिएगा और चारों तरफ से ढक दीजिएगा। इसी तरह से ही चारों तरफ हमारा जो पनीर शेप आने के लिए इसी तरह से करते हैं ना। नॉर्मल पनीर भी इसी तरह से ही बना सकते हैं। और ऊपर एक प्लेट रख दीजिएगा। हमारे घर में जो डिब्बा रहते हैं वो भारी वाला रखना चाहिए। आधा घंटा इसको छोड़ दीजिएगा। धीरे धीरे करके जो हमारा पानी निकल जाएगा, ये सब प्रोसेस आप सिंक का बगल में कर दीजिएगा, तो अपना जो पानी बच जाते वो सारा सिंक में चला जाएगा। आधा घंटा बाद हम इसको निकाल के दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से बन चुके हैं। जो भारी वाला चीज़ ऊपर रखे हैं ना, इसलिए कपड़ा उसको चिपक जाता है। धीरे धीरे करके हटा दीजिएगा। हमारा जो टोफू है बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसको जैसे भी खा सकते हैं। इसको कट कर दीजिएगा। ये थोड़ा पतला बने हैं। आपको अगर मोटा चाहिए तो जब हम लोग प्रेस करने का पहले ऊपर एक प्लेट रखा ना, उसी का पहले ही आप थोड़ा मोटा कर दीजिएगा। इतना तो काफ़ी है। तो हमको एक लीटर के लिए 100 ग्राम बन चुके हैं। सोया मिल्क आप किस तरह से बनाते हैं उसी तरह से ही सोया का टोफू भी बनता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या यूज़फुल हुआ होगा तो लाइक कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नमस्ते।